Thank you. सबको मेरी मसीह की और परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे आज का मैसेज किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम आपसे साझा नहीं कर पाए तो अभी ये मैसेज हम आपको परमेश्वर की महिमा के लिए दे रहे हैं और मैं विश्वास करता हूँ मैं आशा करता हूँ कि जितने भी लोग इस मैसेज को सुने उन निश्चय आज परमेश्वर ने ब्लेस करें आमीन हाल तो जैसे आज का मेरा मैसेज था कि मसीह में नया जीवन और पुराना जीवन क्या है और हमें आशीष क्यों नहीं मिलती क्योंकि इसका कारण है बहुत से लोग इस नए और पुराना जीवन क्या है वो जानते नहीं क्योंकि हम किस जीवन में हैं बेशक चाहे वो प्रभु में है विश्वास करते हैं पर वो अच्छे से जो खुदा की सच्चाई वो जानते नहीं जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं मत्ती तीन के ग्यारह में आ... प्रभु के दास यौहना जो प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए आया और उसने लोगों को मन फिराओ का बपतिश्मा दिया वहां पे ऐसे लिखा है यौहन्ना ने कहा मैं तो पानी से तुम्हें बपतिश्मा मन फिराव का देता हूं पर जो मेरे बाद आने वाला है उसकी जुत्ती के बंद खोलने के योग भी नहीं हूं मैं तो उसने ऐसा क्यों कहा वो तुम्हें पवित्र आत्मा से आग से बपतिश्मा देगा और हम जानते हैं ये बपतिश्मा जो योहन्ना ने शुरू से पानी से दिया और उसने कहा कि जो मेरे बाद आने वाला और मुझसे अधिक सामर्थ्य है मैं उसकी जुति के बंद खोलने के योग भी नहीं वो तुम्हें पवित्र आत्मा से आग से बपतिश्मा देगा और ये पवित्र आत्मा का बपतिश्मा ये हमारा एक नया जन्म है क्योंकि हम जानते हैं कि हम पाप से जन्मे और जितने लोग पाप से जन्मे हैं उन्हें यह तो पता है कि हम पाप से जन्मे हैं और पाप कहां से आया ये तो लोग जानते हैं पर जो मेन मेन उसका कारण है वो जानते नहीं क्योंकि मेन कारण है हमारा नया जन्म जिसमें खुदा की डोनस उसकी सामर्थ हमारे जीवन में काम करती है और बहुत सारे लोग इस बात को जानते नहीं है कि मसीह में नया जीवन क्या है इसलिए जैसे दूसरा ग्रंथियां पांच की सत्रह में हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी ऐसे लिखा कि अब जो मसीह यीशु में उन पर वो नई सृष्ट है और पुरानी गाते भीत गई और सब नहीं हो गई देखो क्योंकि हम जानते हैं पुराने जीवन में हमारे जीवन में दुख तकलीफ हालात प्रॉब्लम समस्या कई तरह के कई तरह की, की परेशानियां पर नए जन्म में हमारा एक नया जन्म हुआ वो आत्मा से जिस दिन से हमने प्रभु यीशु को मन से ये विश्वास किया कि वो हमारा प्रभु और गुरा जो गुरु है जो हमारे पापों के लिए मरा और मर के छी उठाए उसी दिन से आपका नया जन्म हुआ बोलो क्या है उसी दिन से जिस दिन से आपने मन फिराया कि कौन हमारे पापों के लिए मरा और आपने जैसे रूमियो की चार में लिखा हम ये वचन पढ़ेंगे ऐसे कैसे लिखा ये तो यहां पे ऐसे लिखा अता उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया वैसे हम भी नए जीवन की सी चाल चले तो ये नया जीवन क्या है जो नए जीवन से क्योंकि हम जैसे यहां पे लिखा है ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए से जलाया गया वैसे ही हम भी नए जीवन से चाल चले क्योंकि हमने उसकी मृत्यु का बपतिश्मा लिया क्या लिया उसकी मृत्यु का मौत का बपतिश्मा लिया जब हम यीशु को अंगीकार करते हैं क्योंकि इसीलिए तो योहन्ना ने कहा कि मैं तो तुम्हें खाली पानी का मन फिराव का बपतिश्मा देता हूं पर जो मेरे बाद आने वाला मुझसे अधिक सामर्थ्य है वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिश्मा देगा और नए जन्म में ये नया जन्म क्या है हमारा क्योंकि नया जन्म पैंते कुछ के दिन जब प्रभु ने चेलों को बारह चेलों को कहा था कि तुम यूशनम को ना छोड़ो क्या ना छोड़ो यूरूषणम को ना छोड़ना क्योंकि जो पिता ने मुझसे प्रतिज्ञा की है उसकी उस इकरार की तुम वेट करना क्या करना वेट मतलब उठी करना और उसने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम उसकी सामत को प्रकट करना आइए नए जन ये नया जन्म जो आज हमारा मसीह में हुआ है आज वो ढूना सामर्थ जो हमारे जीवन में हर एक विश्वासी के जीवन में विश्वास करने से वो प्रकट होती है क्या होती है प्रकट होती है और बहुत सारे लोग इस बात को अच्छे से जानते नहीं कि नया और पुराना जीवन क्या है और हमें आशीष क्यों नहीं मिलती क्यों नहीं मिलती क्योंकि वो अच्छे से समझते नहीं जानते नहीं है और उन्हें जो परमेश्वर ने वो अधिकार दिया वो जानते नहीं इसीलिए आज भी आ, कितने लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं आज भी कि परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करो हमें चंगा करो हमारे बंधनों को तोड़ो हमें आजाद करो अच्छा करो कृपा करो हम किसे योग नहीं बाइबल जब के बताती है कि उसने हमारे ऊपर कृपा कर दी हमारे पाप क्षमा कर दिया हमारे, हमारे बंधनों को तोड़ दिया आज से 2000 साल पहले जब यीशु मसीह क्रूस पर उन्होंने अपना जीवन दिया 2000 साल पहले ही परमेश्वर आपको चंगाई शिफा और स्वर्ग की जैसे चार, एक की चार में लिखा पृथ्वी की और स्वर्ग की में आपको सब वो दे चुका है तो वो दे चुका है इसलिए हमने नए जीवन से चाल चलनी है क्योंकि तो पुराने जीवन की जो हमारे जीवन में जो चीजें हैं वो हमने उन चीजों को छोड़ना है अपने जैसे सबसे पहले अपने स्वभाव को बदलना है अपना एक अच्छा विश्वास एक अच्छा अंगीकार पॉजिटिव विश्वास में आपने रहना है अपनी हर पाप के स्वभाव की चीज को अपने अपने जीवन से बाहर निकालना है जैसे कुलसियों तीन की पांच में ऐसे लिखा है ना तो मैं इस वचन को भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं तो वहां पे ऐसे लिखा आ, हाँ। तो कुलसियों तीन की पांच में ऐसे लिखा है इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर अर्थात विभ्याचार शुद्ध अशुद्धता दुष्कामना भूरी लालसा लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है इन्हीं के कारण परमेश्वर का को आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है और तुम भी जब इन बराइयों में जीवन बताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध रोष निंदा मुंह से गालियां बकना ये सब बातें छोड़ दो एक दूसरे से झूठ मत बोलो क्योंकि तुमने पुराने को उसके कामों समेत उठा डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है आमीन तो जैसे इस वचन में हमने आ, सात आठ और नौ में कुछ चीजें हैं ये पुराने पुराने जन्म की पुराना जन्म क्या है पुराना जन्म जो हम माता पिता से जन्मे उसे बोलते हैं पुराना जन्म पाप से बोलो और पाप के उस जीवन की ये चीजें यहाँ पे कुछ ऐसे लिखी हैं परमेश्वर के दास प्रेरित पॉल ने कुलशियों की लोगों को ये चीजें बताई क्योंकि ये पुराने ये पाप के उस पुराने जीवन पुराना मतलब पुराना मतलब माता पिता की इच्छा से जो हम जन्मे तो उसने कहा कि ये चीजें अगर आपके जीवन में है बोलो क्या है जब तक ये चीजें आपके जीवन में तब तक नए जीवन की जो यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठकर विश्वास करने वालों के लिए जो चीज उपलब्ध की वो चीज को आप ले नहीं सकते क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए हर चीज अवेलेबल है उपलब्ध है आप हर चीज को विश्वास से ले सकते हो पर जब तक ये चीजें आपके जीवन में तब तक उसकी जो सामर्थ्य नए जीवन जीवन में, आपके जीवन से परकट नहीं हो सकती इसीलिए ना कि अपने मन के नए हो जाने से रोमियो बारह की दो में लिखा है कि तुम्हारा जो चाल चलन है वो बदलता जाए क्या जाए इसीलिए हमने रोमियो शेख की में भी लिखा कि हम नए जीवन की सी चाल चलें यह बहुत जरूरी है हर एक विश्वासी के लिए जो प्रभु पे विश्वास करता है आपको पता जब हम यौना में पढ़ते हैं तो निकुदेमस नाम का एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया क्या आया जिसने आकर यीशु को कहा प्रणाम किया उसने कहा कि मैं जानता हूं कि तू प्रभु और गुरु होकर परमेश्वर की ओर से आया है क्योंकि जो तू चिन्ह और चमत्कार दिखाता है अगर परमेश्वर तुम्हारे साथ नहीं तो कोई दिखा नहीं सकता तो यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया कि अच्छी बात है पर जरूरी है कि जब तक कोई मनुष्य नए सरे से न जन्मेगा तब तक वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता तो देमस ने यीशु मसीह को कहा कि जब मनुष्य बूढ़ा हो जाएगा तो क्या वो अपनी मां के गर्भ में फिर से जाएगा क्योंकि यीशु मसीह ने तो उसे आत्मिक बात बताई पर उसने शरीर से सन्मा फिर यीशु मसीह ने उसे कहा कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मेगा वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता तो जो शरीर से जन्मा वो शरीर है जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है इसलिए ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखने वाली चीज़ें हैं क्योंकि हम अभी शरीरिक नहीं हम आत्मिक हैं हम नए जीवन में हैं नए जीवन में अगर हम हैं तो दुष्ट आत्मा का बीमारी का किसी भी चाहे कोई भी बीमारी क्यों नहीं है चाहे कैंसर है अच्छे भी है, काला पी लिया है किसी को कुछ भी कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों नहीं है उसके जीवन में उसका नए जीवन में उसकी बॉडी पे उसके जीवन में कोई अधिकार नहीं है हमें तो उसका कोई भी अधिकार नहीं है पर अगर है तो जिन लोगों के जीवन में है वो अच्छे से खुदा के वचन उसकी सच्चाई को नहीं जानते नहीं समझते इसलिए बोलो क्या है इसलिए इसीलिए ये नया जनन जैसे निको देमस को यशुमसी ने कहा जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से न जन्मेगा तब तक वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता क्योंकि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा है इसीलिए आज बहुत से लोग मसीह में उन्हें आशीष क्यों नहीं मिलती इसीलिए नहीं मिलती क्योंकि वो खुदा के वर्ड की जो सच्चाई है उसको उसे वो अच्छे से जानते नहीं है समझते नहीं है उन्हें मालूम नहीं है पता नहीं है कि परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ मसीह में कर चुका है हमें स्वर्ग की सब आशीषें और पृथ्वी की आशीषें दे चुका है हमारे पाप क्षमा कर चुका है हमें चंगा कर चुका है अब हमारे लिए इस नए जीवन में हमारे जीवन में का शैतान का कोई भी अधिकार नहीं है बोलो क्या है कोई भी अधिकार नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जीवन देकर शैतान की उचित को नकम्मा कर दिया नकम्मा इसलिए हमने बस खुदा के वर्ड उसकी सच्चाई को जानना है कि हमने नए जीवन में करना क्या है यही चीजें बोलो यही चीजें बहुत जो हमने करनी है आप खुदा की हर आज्ञा को मानो पाप और बुराई से दूर रहो क्या रहो पाप और बुराई की बुरी चीजों से जो हमने अभी कुर्सियों की पथरी में पढ़ा है सात और आठ और नौ में अगर वो चीजें हमारे जीवन में हैं तो हम हमें खुदा की ओर से जो आशीष मिलनी है वो मिलेगी नहीं हमारी आशिष रुकी रहेगी पर जब हम उन चीजों को अपने जीवन से दूर करेंगे इसीलिए क्या पुरानी मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डालो और नए को पहन बस अपने नए को नया क्या है वही खुदा को जो खुदा का जो आत्मा है जो आपको दिया है आपका नया जन्म हुआ क्या हुआ है मसीह में आपका आस नया जन्म हुआ और उसी दिन से जिस दिन से आपने यीशु मसीह को अपना उद्धार करता मुक्तिदाता माना है उसी दिन से आपका एक नया जन्म है। एक तो हमारा जन्म माता पिता से और दूसरा जन्म यीशु मसीह पर विश्वास करने से आज हमें मिला है समझे है? इसलिए आज बाइबल बताती हम पापी नहीं हम धर्मी हैं बोलो क्या है तो बस पाप वाली चीजें अपने अपने जीवन से हमने दूर करनी है और धर्मी होने वाली चीजें हमने अपने जीवन से प्रकट करनी है जैसे पत्रस ने कहा पहला पत्रस उसकी दो की नौ में कि तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदारी जाजकों की शाही मंडली और पवित्र कौम में जिसने तुम्हें अंधकार से निकालकर अपनी ज्योति में बुलाया उसके गुणों को प्रकट करो तो आस पास अपने परमेश्वर के गुणों को प्रकट करना है क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं आपके पाप माफ हो चुके हैं परमेश्वर आपके लिए सब कुछ नए जीवन में कर चुका है अपने विश्वास के साथ चलना है और हर चीज को विश्वास से अपने जीवन से प्रकट करना है आप जानते हो कि पुराना जीवन है ना हमने पढ़ा अभी कि हम अपनी भोरियाइयों में जैसे अभी ये कुर्सियों शेकी तीन के साथ में लिखा ना और तुम भी जब इन बराइयों में जीवन बताते तो इन्हीं के अनुसार चलते थे तो हम जानते थे कि हम पुराने जीवन में कैसी चाल चलते तो आज हमारा जो मसीह में नया जन्म हुआ है तो आज, आज आपको पता है कि हमें यह नया जीवन जिन्हें मिला है जो विश्वास करते और परमेश्वर की हर बात को मानते हैं उसकी हर आज्ञा को पूरा कर रहे हैं तो वो जानते हैं कि परमेश्वर ने आज हमारा हमा, जीवन आज कैसा हो गया सब जानते हैं हम तो बस यही चीजें अपने अपने जीवन से आ, पूरी करनी है क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है जिसने कहा मर्डर हो मैं तुम्हारे साथ हूँ तो आपने किसी चीज से डरना नहीं है बस अपने आप को परमेश्वर में सिद्ध करते जाना है क्या करते जाना है सिद्ध सिद्ध होते जाना अपने हर चीज में और परमेश्वर आपके साथ हैं मैं आशा करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ कि खुदावन इस मैसेज से आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे यीशु मसीह के नाम से आमें